सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशाका एजुकेशन के इस चैनल पे। आज दिनांक 17 तारीख है फरवरी का और आज पहला पेपर जो है यहाँ पे गणित का पेपर हो रहा है जो बिहार विद्यालय समिति द्वारा बिहार बोर्ड के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है। तो अभी सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय बीरपुर के प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पे अभी जस्ट कुछ ही देर हुआ है, अभी जस्ट इनका परीक्षा जो है बच्चों का कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि हम बहुत सारे लोगों के अंदर जो हमारे बीच सवाल है उसको अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो भी बच्चे अभी बाहर निकल रहे हैं, अभी कुछ ही देर में बच्चे सारे बाहर निकलने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर उनका पेपर जो है अभी वो किस तरीके से गया हुआ है। मतलब पूरे साल लॉकडाउन रहने के बाद जो है अभी उन बच्चों को कुछ पेपर में रिलैक्सेशन मिला है या फिर अभी पेपर जो है उसी सेम वेटेज के साथ आया हुआ है। तो आइए हम मिलते हैं अभी कुछ बच्चों से जो अभी पेपर दे के अंदर से आया हुआ है। चलिए अभी सॉरी यहाँ पे कुछ छात्र हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि आज आपका गणित का पेपर था, क्या नाम है? रानी कुमारी। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये पेपर जो है आपका अभी कैसा गया है? अच्छा गया। अच्छा गया है, मतलब इसमें सारा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से गया है। लॉकडाउन में जो अभी कुछ दिन के लिए स्कूल बंद था तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो पेपर आया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड डाउन था या फिर उसी तरीके से आया है जैसा पहले आता रहा था? मतलब इसका पेपर का जो वेटेज है वो कैसा आया हुआ है? नॉर्मल पेपर आपको लगा करने में बहुत आसान लगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा? आसान नहीं लगा। आसान नहीं लगा, ओके। तो मतलब क्या सारा आपने पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सारे को अटेम्प्ट किया हुआ है? नहीं। कितने नंबर आएंगे आपके पेपर में? हमको क्या पता। अच्छा अभी आप नहीं बता सकती हो, देखो। चलिए अभी बाकी यहाँ पे बहुत ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने पेपर देके जो है बाकी यहाँ पे अभी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इनका अभी पेपर किस तरीके से गया है। अभी आते हैं इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका अभी पेपर किस तरीके से गया है। क्या नाम है आपका? सविता कुमारी। सविता कुमारी, कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया गया। ओके, तो मतलब अभी आउट ऑफ 100 में से आपको क्या लग रहा है, कितने नंबर आ सकते हैं आपके? अच्छा लग रहा है। नंबर आपके कितने आ जाएंगे? मिला 30-35 आ जाएगा। 30-35। तो एग्जाम के हॉल में कैसा क्या परफॉर्मेंस आपका वीक था? अच्छा गया। भी क्या नाम है आपका? सबनम कुमारी। सबनम कुमारी, कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। ओके, तो अभी कितना नंबर आएगा आपका पेपर में? पता तो ना है। क्या पता ना है कितना? अच्छा इनको पता नहीं है, अभी इनका कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरीके से थोड़ा लो है। कोई नहीं, मतलब हो सकता है अच्छा है, हमारे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बाकी क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। ओके, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया, कैसा पेपर था, मतलब नॉर्मल पेपर था या टफ पेपर था? नॉर्मल ही था। अच्छा नॉर्मल था, सारा अटेम्प्ट किया आपने? हाँ। ओके, तो क्या मतलब आपको लगता है कि अभी आने वाले परिणाम के दिन में आपके गणित सब्जेक्ट में कितने नंबर आ जाएंगे? 85 आ सकते हैं। 85 आ सकता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ऑल द बेस्ट आपको हमारे आशाका टीम की तरफ से है। और अभी इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनका अभी कैसा किस तरीके से पेपर गया है। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। ओके, पेपर कैसा गया आपका? अच्छा था। तो अभी इस पेपर में कैसा लगा आपको, मतलब एक नॉर्मल पेपर था जैसा एज इट इज, मतलब सिंपल पेपर होता है? भी नहीं था और उतना भारी भी नहीं था। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो इसमें टोटल क्या लग रहा है आपको, कितने नंबर आ सकते हैं 100 में से? अब हमको क्या पता। अच्छा इनको नहीं पता है, चलिए कोई बात है वो बता दूंगा। चलिए यहाँ पे अभी कुछ छात्राएं हैं जो अभी जस्ट एग्ज़ाम के हॉल से बाहर निकली हैं और वो हमारे साथ खड़ी हैं यहाँ पे। तो अभी इन लोगों से जो है बातचीत सिर्फ करने वाले हैं हम लोग और इनसे पूछने वाले हैं कि अभी इनका पेपर किस तरीके से गया है, कैसा गया है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत मुश्किल था या फिर बहुत ज़्यादा आसान था? तो हमारे साथ अभी एक छात्रा है, क्या नाम है आपका? हिना परवीन। ओके, तो मतलब आपका पेपर कैसा गया? बहुत ही अच्छा गया है। अच्छा बहुत अच्छा गया, कैसा पेपर था आपका? अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स में वो कैसा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ था या आसान लगा आपको करने में? आसान लगा, वो भी हमारे टीचर की वजह से जो हमें पढ़ाए वही सब आए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनकी मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रंग लाया है और इनके मेहनत के बेस पे आज ये बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रही है कि इनका पेपर काफ़ी ज़बरदस्त गया है। और बात रही इनके मार्क्स की तो इनके खुद जुबान से सुन लेते हैं कि इनके एग्ज़ाम के परिणाम के दिन गणित विषय में कुल कितने नंबर आने वाले हैं। तो एक बार आप खुद अपने मुँह से बता दीजिए कि आपको कितना लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स में आपके नंबर आ सकते हैं। आ सकते हैं, अच्छे से अच्छे होगा, आएगा
लेकिन बता नहीं सकते। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप नहीं बता सकती हो, बहुत सही बात है, और कॉन्फिडेंस इतना हाई है बहुत अच्छी बात है। बात सरते अभी जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और स्कूल वगैरह सब कुछ बंद था, तो उसमें आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं किस किस कारक पे डिपेंड करता है, आप किस किस चीज़ पे निर्भर करके आपने अपने आप को उस तरीके से काबिल किया कि आज आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया है? ये हमारे टीचर ने उसे समय दिया, उसके बाद हमें मेहनत करना बताया, तरीका बताया, उसके इसीलिए हम टीचर की वजह से आज इस मकाम पर पहुँचे। बिल्कुल, और स्कूल वगैरह बंद होने के बावजूद भी जो है आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और दूसरी बात, एक मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ऑनलाइन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सब जगह क्लासेस वगैरह हो रही है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा सपोर्ट मिला या? नहीं, हम ऑनलाइन पे नहीं पढ़े, हमारे टीचर है जो सब कुछ हमें सिखाए है। ओके, मतलब ऑनलाइन के अलावा आपको ऑफलाइन में ही पूरी तरीके से सारी मदद मिल गई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है, क्या नाम है आपका? शहजादी बेगम। ओके, कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया, कितने नंबर आ सकते हैं आपके पेपर में? ये तो पक्का और डिपेंड नहीं करता, मतलब फिर भी आप मुझे एक ऑन एन अप्रोक्सीमेट ये बता दीजिए कि हाँ मतलब 80 प्लस आएंगे, 70 प्लस, 90 प्लस या 99 समथिंग ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस के बाद हम खुद इस चीज़ को जो है पहले एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रही हो, आपको कितने आ सकते हैं? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पहले नहीं बता सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। मतलब पेपर बहुत अच्छा गया, कैसा था आपका, टफ था पेपर या बहुत आसान लगा आपको? बहुत आसान लगा, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो आसान ही नहीं लगेगा, जो आया है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने वाले के लिए, मेहनत करने वाले के लिए कोई भी मुकाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इन छात्र के कहने का यही मतलब है। तो इनका पेपर बहुत ज़बरदस्त गया है। अब इसके बाद एक और छात्रा है यहाँ पे खड़ी, इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। ओके, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया, बहुत अच्छा। अच्छा गया, तो आपको कैसा लगा? आप तो चूंकि एक साथ अभी खड़े हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तो अलग अलग बैठ के सब अपने 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 पेपर को दिया, तो आपका किस तरीके से पेपर गया है और आपको क्या लग रहा है, कितने नंबर आ सकते हैं? बहुत अच्छा गया। अच्छा, बहुत अच्छा गया है। चलिए, और यही जानकारी जो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे गार्जियन या सभी लोगों के अंदर एक जहन में थी कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बच्चों को कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल पाता है, अभी इस बात की जानकारी हमने कहीं ना कहीं बच्चों के जुबान से ही सुन लिया है। बाकी रही बात कि हम आशाका टीम की तरफ से जो है आप लोगों की बहुत बहुत कामना करेंगे कि काफ़ी अच्छे नंबर आए आपके गणित जैसे सब्जेक्ट में, और बाकी आपके आने वाले पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से जाए और आप भविष्य में बहुत अच्छा करें। इसी के साथ फिर हम लोग अभी नेक्स्ट और अगले दिन के फिर में एक बार रिव्यू में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए और यहाँ पर हमारे आशाका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।